ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अच्छा, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे 25 साल से एक आत्मा लगी हुई है जो जप करते समय साथ में रहती है और 25 साल से जप कर रहा हूं फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही, मार्गदर्शन कीजिए। हमें तो ये लगता है प्रभु के सिवा कोई और दूसरा है नहीं। अगर कोई आपके पीछे लगा है तो प्रभु लगे हैं और वो कभी आपको छोड़ दें ऐसा मैं चाहूंगा नहीं। वो हर समय लगे रहें, वो कभी आपको छोड़े ना। क्यों नहीं, ऐसा बात नहीं है, सामने सामने से बैठा रहता है, अंदर घुस जाता है फिर बाहर आ जाता है। बढ़िया है, वो भीतर भी है बाहर भी है, परेशानी क्या है। प्रभु के सिवा अगर किसी की सत्ता मानोगे ना आप, देखो तो, देखो पहले बात ये समझ लो, प्रभु के सिवा ना कोई था ना कोई है ना रहेगा। जब हम प्रभु के सिवा किसी की सत्ता देते हैं तब जो सत्ता देते हैं वैसे ही हमको अनुभव होने लगता है, ये हमारा भ्रम है। नहीं, प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं है। आमना सामना भी हो जाता है बहुत बार, तो प्रभु है उनको प्रणाम करो। काली छाया जैसी थी, वो काला भी गोरा भी वही है, काला भी वही है गोरा भी वही है, वो भूत भी वही है वो महाभूत भी वही है, सब वही, उसके सिवा कोई नहीं है। अगर उसके सिवा कोई हो तब तो परेशानी हो, मुझे तो आज तक परेशानी नहीं हुई, आज तक परेशानी नहीं हुई। वो कितने रूप दिखाता है वही है, दूसरा नहीं है। अगर दूसरा कोई मान लोगे तो परेशान हो जाओगे, दूसरा नहीं। दूसरा कोई है क्या, है कोई दूसरा? नहीं, उसमें तकलीफ होती है थोड़ी सी, वो आपके मानने से होती है। अगर दूसरा ना मानो तो आनंद आ जाएगा। नामदेव जी जल लेने गए तो बहुत कई हाथ लंबा है भूत प्रकट हुआ और कहा अच्छा विठल नाथ अब इस रूप में आनंद, साष्टांग दंडवत किया भूत गायब, ठाकुर जी खड़े, क्योंकि वही है दूसरा, भूतों के भूत यही है, दूसरा कोई है नहीं। अगर आप भूत मानोगे तो भयभीत हो जाओगे। रस्सी का सांप है, सांप नहीं है, रस्सी है, भगवान है, दूसरा कोई है नहीं पक्का। इससे अब हमारी मति में और कुछ आ नहीं सकता। जैसे आप अपना माने हुए कि कोई आत्मा लगी हो, हमें लगता है सब आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण है, उनके सिवा कोई है नहीं। हम जो मान्यता की उसको बदल दें तो वही है, भी आनंद आ जाएगा कि मैं जान नहीं पाता था 20-25 वर्ष से तुम इस रूप में मेरे पास हो, कभी मेरे हृदय में अनुभव में आते कभी बाहर आते हो, हे मेरे प्यारे प्रीतम अब ये रूप हटाओ और असली रूप में आ जाओ, अगर ना जाए तो मुझे बताना, वही है दूसरा नहीं है। भ्रम में मत रहना, दूसरा नहीं है, दूसरा मानना ही भ्रम है, पक्का मान लीजिए कोई दूसरा नहीं, प्रीतम के सिवा कोई दूसरा नहीं। ये बहुत खिलाड़ी है, वो छुपा छुपी का खेल हो रहा है, वो ऐसे ऐसे रूप बना के आता है कि हम भ्रमित हो जाते भूल जाते हैं, और सच्चा उपासक वही है कि यही है यही है यही है, तू ही है, इतना जान लो जीवन मुक्त हो गए, कोई दूसरा ना था ना है ना रहेगा, जितने रूप हैं उसी के हैं, मैं जान नहीं पा रहा, बस यही जानना साधना है। सच्ची कहते उसे प्रणाम करो अगर तुम्हें जो भी अनुभव में आ रहा है, अगर वो श्री कृष्ण ना दिखाई दे तो मुझे कहना, वही है। बार बार आप मन को समझाओ प्रभु के सिवा कोई नहीं, वही है, आप देख लोगे वही है। चेष्टा नहीं, मान लो, पहले मान लो, पहले मान लो कि मेरा प्रभु मुझे इतना प्यार करता है, वो इस रूप में मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसे हटाना चाहता हूं। लोग चाहते हैं कि प्रभु आ जाएं और आपके पीछे प्रभु पड़े हैं, तो आप बस मान लो कि सबसे ज्यादा दुलारे आप प्रभु के हो जो इस रूप में है। सत्य कह रहा हूं, प्रभु के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है, पक्का जी।